Hello everyone, today I am uploading a new topic. Its name is Mr. Ayub Khan, Chief Martial Law Administrator and the first person who imposed martial law in Pakistan. आज का जो लेक्चर है हमारा मिस्टर अयूब खान के बारे में है. ये जो टॉपिक है बहुत अहम है और हर सवाल हर टेस्ट में ख़ास तौर पर अयूब खान के बारे में पूछा जाता है, अयूब खान की डिटेल के बारे में पूछा जाता है. आप सब बच्चों को बताया कि ये हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री के टॉपिक में और पाकिस्तान हिस्ट्री का मेन टॉपिक है अयूब खान, सदर अयूब खान. हमारे बड़ों को भी पता है, हमारे बुज़ुर्गों को भी पता है, हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि ना अयूब खान कौन था और अयूब खान ने अपने जो टाइम था टाइम पीरियड में क्या अचीवमेंट्स की और कौन कौन सी डिक्टेटरशिप में पावर्स इम्प्लीमेंट किए और अयूब खान के दौर में कौन सी जो है ना कौन से लॉज इम्पोज हुए. आप सब बच्चों को पता है कि अयूब खान के दौर में एक जंग हुई जिसको इंडो पाकिस्तान वार कहते हैं, 1965 की वार है. अयूब खान के दौर में ही इंडिया से मुआहदा हुआ, अयूब खान के दौर में ही कश्मीर से हमारे चाइना से ताल्लुकात अच्छे हुए, अयूब खान के दौर में हमारे प्लान बने जो उसके इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी प्लान बने, अयूब खान के दौर में ही हमारा कैपिटल शिफ्ट हुआ इस्लामाबाद से. सो दैट वाज द सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ दैट टाइम. तो हेडिंग नंबर वन है हमारी माशाल्लाह. माशाल्लाह जो थे अयूब खान के कब हुआ और कब आया है माशाल्लाह और कैसे आया. आप सब बच्चों को पता है कि अयूब खान जो थे मिलिट्री डिक्टेटर थे, अयूब खान आर्मी चीफ भी थे. सिकंदर मिर्ज़ा ने उनको प्रमोट किया था. जब हालात ख़राब हुए सिकंदर मिर्ज़ा ने रिज़ाइन दिया और सिकंदर मिर्ज़ा ने दे के अयूब खान के हवाले अपनी हुकूमत कर दी. जब सिकंदर मिर्ज़ा ने अयूब खान के हवाले अपनी हुकूमत की 7 अक्टूबर 1958 में, तो जैसे ही हुकूमत हवाले की तो जो पहला आइन था पाकिस्तान का, पहला आइन जो था 23 मार्च 1956 में दिया गया था. सिकंदर मिर्ज़ा ने वो आइन एबोरोगेट किया था, आइन एबोरोगेट करके इनको हुकूमत दी अयूब खान साहब को. उसी वक्त क्या हुआ, नंबर बी पॉइंट में क्या है, कैबिनेट्स वर डिसमिस्ड. अब कैबिनेट जो थी फिरोज़ खान नून जो 7वां प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, उसकी ख़त्म की गई थी. एक नई जो है काबिना बनाई गई. अब नई काबिना में कौन था, 4 जनरल थे और 4 सिविलियंस उसमें शामिल थे, जिसमें भुट्टो भी शामिल था और इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन नहीं थी. असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया, अयूब खान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए. पॉइंट नंबर टू क्या है कि अयूब खान जब टेक ओवर हुआ अयूब खान का 27 अक्टूबर 1958 में, अयूब वॉज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर बाय मिर्ज़ा. अयूब खान को मिर्ज़ा ने, सिकंदर मिर्ज़ा जो 4th गवर्नर जनरल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उन्होंने अयूब खान को अपॉइंट किया था 24 अक्टूबर 1958 को. अयूब शोड हिम हु वॉज द ओरिजिनल मास्टर. अयूब उनको दिखाया कि मैं मास्टर हूँ ओरिजिनल. अयूब अपने हुकूमत का जो तख्त था उसका उलट के खुद जो है बन गया चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और मिर्ज़ा को, सिकंदर मिर्ज़ा जो थे उनको उन्होंने मुल्क निकाली दी इंग्लैंड में. अब अयूब खान जो है लेजिटिमाइजेशन कैसे किया उसने अपनी हुकूमत की, उसने क्या किया, ला दिया. ठीक है, ला दिया जिसके तहत वो अपना जो है क्या बन गया, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर. उसके बाद में 200 केस कैल्सन्स जनरल थ्योरी ऑफ द लॉ एंड स्टेट लीगल पॉजिटिविज्म उसने थ्योरी दी. इम्प्लीमेंटेशन अयूब कंट्रोल डेमोक्रेसी, अयूब कंट्रोल डेमोक्रेसी अयूब ने शुरू की. अब उसमें बीडी सिस्टम उन्होंने दिया, ठीक है, पोडो दिया. उसके बाद में इन्होंने ईबीडीओ दिया. तो ये उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन दिए. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अयूब खान ने पॉलिटिकल पार्टीज बैन की. उसके बाद में पोडो दिया, पब्लिक ऑफिसर डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 का दिया. उसके बाद में पोडो को रिप्लेस किया ईबीडीओ से 1958 में. अब पोडो और ईबीडीओ के क्या चक्कर है ये भी आपको समझा रहा हूँ कि जो इलेक्टेड बॉडीज जिसको जो सियासी लोग इसके कहने पे नहीं थे उनको अंदर किया, उनको डिस्क्वालीफाई किया. अब नंबर वन पॉइंट क्या है, रिप्लेस्ड बिकॉज पोडो डिड नॉट इंक्लूड द लेजिस्लेचर्स, दो सस्पेंडेड और मिसकंडक्ट होल्ड द ऑफिस, दे कुड रिजाइन, दे गो टू द ट्रायल, ये उन्होंने बताया. उसके बाद फाउंड गिल्टी, दे वर बैरड फ्रॉम द पब्लिक अफेक्ट.
उनको जो सज़ा मिलेगी अगर कोई गुनाहगार होगा, पब्लिक ऑफिस से मना किया जाएगा किसी बंदे को बोर्डो के तहत। 6,000 पीपल्स को ये अफेक्ट हुए इस बोर्डो EBDO के, इलेक्टेड बाय स्कूल ऑफिसर्स, कितने हुए? 6,000 पीपल अफेक्टेड हुए इस एक्ट से। अयूब खान वाज एबल न्यूट्रलाइज द पावर पॉलिटिकल पार्टीज, न्यूट्रलाइज करना चाह रहा था, अपनी पार्टी बनाना चाहता था, अपने पावर्स को बेहतर करना चाहता था कि अभी किसी शेप में इसको पावर को शो करूं। तो उसने क्या किया, अपने पावर को शो करने के लिए बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम मुतारिफ करवाया 27 अक्टूबर 1959 में। उसका पर्पस क्या था बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम का? नंबर वन पर्पस वाज टू गेन जनरलाइज ग्रास रूट सपोर्ट टू द एब्सेंटी द पार्टीज, पार्टीज़ को सपोर्ट करना जो एब्सेंटी है उनको भी मना सपोर्ट करना। दिस वॉज डन एट द एक्सपेंस ऑफ द पावरफुल फ्यूडल्स, फ्यूडल्स लैंड रिफॉर्म्स की वजह से हुआ। 80,000 फ्यूडल्स जो थे बेसिक डेमोक्रेसी में थे, 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से, 40,000 वेस्ट पाकिस्तान से हुए। उसके बाद में उनके लेटर नंबर बढ़ाए गए 60,000 ईस्ट पाकिस्तान से 60,000 वेस्ट पाकिस्तान किया गया। इसका मकसद क्या था कि अपने पॉलिटिकल पावर को इन्हांस करना है, आगे चलते हैं, और अपनी मिलिट्री की जो इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ को ख़त्म करके एक पॉलिटिकल शेप भी देना था। इलेक्शंस ऑफ बेसिक डेमोक्रेटीज डेमोक्रेट्स एंड प्रेजिडेंशियल रेफरेंडम 1960, BD का इलेक्शन हुआ और सदारती इलेक्शन 1960 में। उसमें क्या था, सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस टू द BDs वर हेल्ड, पहला इलेक्शन हुआ BDs का दिसंबर 1960 और जनवरी 1960 में, दिसंबर 1959 जनवरी 1960 में। उसके बाद में दे फॉर्म द एडहॉक इलेक्ट्रल कॉलेज फॉर प्रेजिडेंशियल रेफरेंडम, प्रेजिडेंशियल रेफरेंडम हुआ 14 फरवरी 1960 में। उसके बाद में 90.6% सेड दे हैड कॉन्फिडेंस इन प्रेजिडेंशियल फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान हिलाल जुर्रत, ठीक है, उन्होंने ये कहा मार्शल का जो लीगलाइज किया गया इस शक्ल में। इलेक्शंस फॉर असेंबलीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस जो है कराए जाएंगे असेंबलीज में, ये भी बताया गया 1962 के तहत। 80,000 बेसिक डेमोक्रेसीज जिसमें से MNA मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज चुने गए। वोटर्स ऑफ दीज बेसिक डेमोक्रेसीज वर इजी टू बाय, वोटर आसान थे उनकी चुनना। इलेक्शंस हेल्ड व्हेन द जुडिशरी एंड प्रेस सप्रेस द पार्टी, अगर इलेक्शंस हुए और जो उसके बाद में इलेक्शंस हेल्ड व्हेन द जुडिशरी एंड प्रेस वर सप्रेस्ड एंड बैंड पार्टीज, इलेक्शन हुए मगर जब इनको प्रेस किया गया, किसको, जुडिशरी अपनी वन मैन आर्मी जो होती है ना, इलेक्शन इसी करके थे, वन मैन पावर के थ्रू कराए गए थे अयूब खान साहब ने किए। उसके बाद 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया 8 जून में, जिसको सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन थी जस्टिस शहाबुद्दीन साहब ने की, जिसमें दो मकसद थे, एग्जामिन द फेल्योर ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक मकसद ये था, दूसरा रिकमेंडेशन फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। अयूब रिजेक्ट द सजेशन आस्क्ड अनदर सब कमेटी टू रिप्रेजेंट रिपोर्ट, अयूब ने रिजेक्ट किए सारे सजेशंस को और आस्कर की नई रिपोर्ट बनाए, और ये 1956 की जो है जो शहाबुद्दीन साहब की रिपोर्ट सही नहीं है। रिपोर्ट्स कंसीडर गवर्नर कॉन्फ्रेंस, गवर्नर कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट पास की गई। इट अपॉइंटेड टू पीपल एज ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, दो मेंबर बनाए गए ड्राफ्टिंग कमेटी के। उसके बाद में आखिर में क्या गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोज किया गया और ये जो मार्शल लॉ को लिफ्ट किया गया 8 जून 1962 में, दूसरा आयन पाकिस्तान का मुतारफ हुआ। अब आयन तो दिया गया, मार्शल लॉ को लीगलाइज तो किया गया, अब उसके बाद में स्ट्रेंथिंग, अब अयूब खान के दौर में ताकत कैसे मिली, क्यों मिली, अब मिलिटराइजेशन ऑफ द स्टेट एंड कोलोब्रेशन ब्यूरोक्रेसी, अब उसने कोलोब्रेशन किया शुरू कैबिनेट के साथ, मिनिस्ट्रीज के साथ, जिससे उनको फ़ायदा मिला और ये लीगलाइज करने लगा। द स्टेट अपार्टस वॉज टेकिन ओवर द मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री कोई मिलिट्री चला रही थी स्टेट अपार्टस को। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग अयूब रिजाइम, अयूब रिजाइम की शुरुआत हुई। अयूब अलोड मिर्जा कैबिनेट टू कंटिन्यू, अयूब ने मिर्जा कैबिनेट को इजाज़त दी कि अपना सिस्टम चलाएं, ऑर्गेनाइज करें। मिलिट्री पर्सन उसमें शामिल थे, वह नॉन पार्टी बेस्ड थी, सिविलियंस थे। बट द डिफेंस मिनिस्टर बींग मिलिट्री ऑफिसर्स वॉज मेड स्टिट्यूटरी, डिफेंस मिनिस्टर्स भी थे और ब्यूरोक्रेसी भी थी जो कोऑप्टिकल चल रही। 3,000 गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर डिसमिस्ड, 3,000 लोगों को डिसमिस किया गया और 138 ऑफिशियल सीनियर ऑफिशल्स को भी, मिलिट्री ऑफिसर इंक्लूडिंग सिविल सर्विस, मिलिट्री ऑफिसर्स को भी सिविल सर्विस में इंक्लूड किया गया, सामने किया। मिलिटरलाइजेशन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड बजट, बजट इकोनॉमी
और जो है ना एम्प्लॉयमेंट को भी मिलिट्रलाइजेशन किया गया। दो इदारे बनाए गए, फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट। उसके बाद में दे रोवास टू केयर फॉर द मिलिट्री पर्सनल नीड्स, पेंशन एंड बेनिफिट्स, बट एवर स्टेट इज बाउंड लेटर ऑन गुड इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स फॉर द प्रॉफिट। जागीर सिस्टम इंट्रोड्यूस फॉर आर्मी, सेम एज अ सुल्तान द मुगल से डन, सेम किया गया जो मुगल सुल्तान करते थे। लैंड इन अर्बन एरिया आल्सो एलोटेड थ्रू द रूल वाज प्लान फॉर, ज़मीनें भी दी गई आर्मी ऑफिसर्स को। उसके बाद में 3,90,000 ट्रूप्स एम्प्लाई किए गए 1970 के हवाले से। द बजट वाज डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स, मिलिट्री की डिमांड के तहत बजट को डिवाइड किया गया, बजट ज़्यादा दिए गए, डिफेंस बजट ज़्यादा रखा गया। मोर देन 50% ऑफ बजट वाज अलॉटेड द डिफेंस एक्सपेंडिचर्स, 50% ज़्यादा डिफेंस बजट था। डिफेंस जो GDP रेशियो इज 125%, 125% डिफेंस बजट रखा गया 1960 में, 60 से 70, फिर उसके बाद में 1965 में ये जो 70% था, 1960, 65, 70 में ये 70% 125% बजट था। फिर GDP रेशियो 56 और पीरियड साहब ये बढ़ाया गया। कोऑप्शन ऑफ द न्यू कैपिटलिस्ट क्लास इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, लैंड रिफॉर्म्स ऑफ 1959, कन्वर्टिंग टेनेंट फार्मर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट फार्मर्स, लैंड रिफॉर्म्स दिए गए, फार्मर्स को इंडिपेंडेंट दिया गया। उसके बाद में एक कमीशन बनाई गई, उसको टास्क दिए गए कि आप जो है ना फार्मर्स को फैसिलिटेट करें। उन्होंने रिपोर्ट दी कमीशन ने 7 से 1959 में, 1% लैंड ऑनर्स आंड 50% लैंड पाकिस्तान, ठीक है, 0.1% लैंड ऑनर्स आंड 15% जो है लैंड ऑन की गई वेस्ट पाकिस्तान में, 0.1% लैंड ऑनर्स की। दिस वॉज अ ट्रू ऑल लैंड ऑनर्स इंक्लूडिंग मोर देन 5, अगर जिसके इरीगेटेड लैंड 500 की गई, अन इरीगेटेड लैंड 1,000 दी गई जो है अपने लैंड लॉट्स को, ठीक है। उसके बाद में 1,87,000 लैंड बेनिफिशरीज में डिस्ट्रीब्यूट की गई। ग्रीन रेवोल्यूशन अयूब खान साहब के दौर में आया। उसके बाद में इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में आई। उसके बाद में सब्सिडाइज लोन्स दिए गए डेवलपमेंट बैंक में उन्होंने दिए, जिसमें ADBP है, ZTBL इन्होंने वो लोन दिए। अब उनमें सब्सिडीज दी गई कि हाई यील्ड फर्टिलाइज़र हैं, फर्टिलाइजर्स दिए गए, ट्रैक्टर्स दिए गए, ट्यूबवेल्स दिए गए कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आए। इसमें क्या हुआ, दिस अलाउड मिडिल क्लास को पावर मिला, उनको बेसिक फ़ायदे मिले, जिसमें उन्होंने बेहतर इकोनॉमी को या एग्रीकल्चर को रेपिडली एक्सपेंड किया। बोनस वाउचर स्कीम्स मुतारफ किए गए, जिसमें बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द टू जर्मन इकोनॉमिस्ट, दो जर्मन इकोनॉमिस्ट ने बताया कि आप करें। एक्सपोर्टर्स अलाउड टू कीप बैक सर्टेन पोर्शन ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग को एनहांस किया गया, एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया, और इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी हुई। इसी दौर में इंडस्ट्रीज ने की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बनाए गए, जिससे पाकिस्तान के काफ़ी जो इंडस्ट्रीज को फ़ायदा हुआ। उसके बाद में इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ इंक्रीज्ड, इसमें एक नुकसान हुआ कि वेल्थ इंक्रीज हुई, 22 फैमिलीज जो नोटोरियस बनी उनके पास ज़्यादा जो है वसायल थे। सीम्स एग्रीकल्चर ठीक, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द प्रेस, लेफ्टिस्ट प्रेस ग्रुप सच एज द प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड वर टेकिन ओवर बाय अयूब हिमसेल्फ, अयूब जो प्रेस को प्रेस करना चाहता था कि जो फिर उसके बाद पब्लिशर्स प्रेस के भी इशू हुए, उनको स्टॉप किया गया। और नेशनल प्रेस ट्रस्ट वाज आल्सो फॉर्म टू टेक कंट्रोल, 20 प्रेस ऑर्गेंस नेशनल ट्रस्ट बनाया गया जो ये प्रेस को भी कंट्रोल करें। रेसिस्टेंस टू अयूब खान रूल बैक टू द पॉलिटिशियंस एंड द ग्रे एरिया, अयूब खान के दौर में फिर उनको रुकावटें दी गई जिसका हुकूमत ख़त्म हुई। सबसे पहले जो पोलिटिकल पार्टीज बैक हुई, जमायत इस्लामी थी, ईस्ट पाकिस्तान नेचुरली गिवन देयर पॉलिटिकल हिस्ट्री डिड नॉट एक्सेप्ट द बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, ईस्ट पाकिस्तान बोला भाई अभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप पॉलिटिकल बैन हटा दें, जिसमें अवामी लीग के पार्टी थी या कश्मीर सरमिक पार्टी थी, रिबिल्ड किया जून में उन्होंने। अयूब को फोर्स किया कि भाई लिफ्ट करें माशाल्लाह को, पॉलिटिकल को हम साइन करेंगे और आप जो है पोलिटिकल लिबरेशन दें। उनसे बात सुन, अयूब न्यू द ही वुड नीड टू सपोर्ट द पार्टी, पार्टी को उसने सपोर्ट की थी, तो अयूब की जो पार्टी थी कन्वेंशन मुस्लिम लीग थी, तो फील बैक टू यूजिंग नेम द पार्टी ऑफ जिन्ना का ही उसने नाम लिया। बट अवर वेट्स मुस्लिम लीग डिड नॉट ज्वाइन, मुस्लिम लीग ने इनको ज्वाइन नहीं किया। द बिग नेम्स ऑफ मुस्लिम यूनाइटेड अंडर मुस्लिम लीग जो थी मुस्लिम अयूब खान के दौर में,
نظام الدین کے انڈر میں تھی، ملک نظام الدین کے انڈر میں تھی، جو فاؤنڈڈ کاؤنسل مسلم لیگ اینڈ فاؤنڈڈ دا بگ نیمس آف مسلم لیگ یونائٹیڈ انڈر نظام الدین اینڈ فاؤنڈڈ دا کاؤنسل مسلم لیگ ادر پارٹیز کاؤنسل مسلم لیگ فاؤنڈ اے کوالیشن آف نیشنل ڈیموکریٹ فرنٹ، نیشنل ڈیموکریٹ فرنٹ یہ بنے الائنسز ان کے ہوئے۔ 1965 میں انڈائریکٹ الیکشن ہوا، واسٹ میجارٹی پولیٹیشینس کوڈ ناٹ کنٹیسٹ دا الیکشن دیم سیلف ڈیو ٹو دی ای بی ڈی او، سو دے تھرو دیئر سپورٹ فاطمہ جنا ایون دے ڈیڈ اٹ، جے آئی ڈیڈ، جماعت اسلامی نے بھی فاطمہ جنا کو سپورٹ کیا۔ ایوب وان دا الیکشن وچ واز نو سرپرائز، 65 بیسک ڈیموکریسی ایوب خان نے الیکشن جیت لی ہے۔ ایوب خان کا فال کیوں آیا؟ سب سے پہلا فال یہ تھا 1965 کی بار، ایوب نے امریکنس کو، ایوب ٹول دا امریکن دیٹ بھٹو واز دا بلیم، ایوب خان نے بتایا کہ بھٹو نے جو الزام لگایا ہے، بھٹو نے الزام لگایا اور بھٹو نے بتایا کہ تمہاری ڈیفیٹ ہوئی ہے تشکین، ایوب خان کے خلاف بولا، ایوب خان کی اسی جو بھٹو ناراض ہو گیا کہ تشکین تم نے جنگ ہاری ہے، ان کا ریئیکشن تھا بھٹو صاحب کا ایوب خان کے خلاف۔ بفور ایوب کوڈ ڈسمس ہم بھٹو، اس کو ڈسمس کرتا ایوب، اس کو بھٹو نے خود ریزائن دے دی اور سب پارٹیز جن کیپٹلائز بن گئی اور ایوب خان کے خلاف بن گئی۔ پاکستان کے فائر ریلیشن چینج کی ایوب خان نے، جو ایڈ ملی تھی 1965 کی جنگ میں وہ انہوں نے یوز کی انڈیا کے خلاف، یہ بھی غلط ہوا، امریکہ خواہ نقصان ہوا، ٹھیک ہے۔ اور بائلٹ ریلیشن جو ہے نا چائنا کی طرف ہمارے گئے، رشیا کی طرف، یو ایس ہم دور گئے تھے۔ پھر مجیب الرحمان نے 6 پوائنٹ دیے فارمولا اور اگر تعالیٰ کنسپریسی بھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ مجیب ممبر سوہدری عوامی لیگ واز سوشلسٹ، ارسٹیڈ بائی ایوب 1958، ریسسٹنس اگینسٹ ایوب خان، آفٹر ہیم ریلیز اسٹارٹیڈ انڈر ڈیزائن موومنٹ آرگنائز مسلم ایوب، ایم ایل لیگ ہیڈ 1967-63 میں ایم لیگ بنے، ایسٹ پاکستان ریلائز اٹ ولنربلٹی ڈیورنگ 1966 وار، سو مجیب بیکیم دا مور 6 پوائنٹس، مجیب ارسٹیڈ الانگ وتھ ہز سول سروینٹس اینڈ ملٹری، چارجز ور آف دی کنسپائرنگ ود انڈیا، سیسیشن ایسٹ پاکستان، آفیسر آئی ایس آئی لیفٹنٹ شمس الدین آلسو انکورڈ دا کنٹروورسی، ٹرائل اینڈ ایکوزیشن ٹک پلیس ان دا سول کورٹ، ان کا ہوا ٹرائل جن میں ٹرائل واز میڈ پبلک پولیٹیکل بفور 1970، ٹرائل پبلک کیا گیا، مجیب کو اریسٹ کیا گیا، جیل میں رکھا گیا، ٹھیک ہے، اور کنسپریسی بھی تھی، اور 35 دا ایکوزڈ 35 اور ریلیز دا نیکسٹ ڈے، پھر 35 اکیوزڈ کو نیکسٹ ڈے ریلیز کیا گیا۔ دس وتھ ڈرال اینڈ ریلیز میک دا ہول کیس کوائٹ سسپینشن، اکنامک کرائسس بھی ہوئے، ورس ہوئے، پاکستان میں اسٹارویشن ہوئی، ریئیکشن آف دا پیپل، پیپل کا ریئیکشن کیا تھا اسی وقت میں، کیا ہوا کہ لوگوں نے ریئیکشن زیادہ دکھایا، پروٹیسٹ ہوئے 1958 میں، 1963 میں ہوئے، اس کے بعد واز اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے پروٹیسٹ کیے، نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے، نیشنل جوائن ہینڈس ود اسٹاکنگ یونین ورکرس کراچی، پروٹیسٹرس ہیڈ گون ہیڈ بین گوئنگ آن دا سنس 1958، دا فسٹ امپارٹنٹ واز دیٹ 1963 واز لیڈ بائی دا اسٹوڈنٹس یونینس، نیشنل اسٹوڈنٹ یونینس پروٹیسٹ ہوئے جو سب مختلف پارٹیوں نے کیے، اور این ایس ایف نے آلسو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے محترمہ فاطمہ جنا کو پروٹیسٹ کیا۔ اس کے بعد میں ورس ہوا 1967 میں، اور حالات خراب ہوئے پاکستان کے، مولانا باشانی موبلائز پیپل ایسٹ پاکستان، مولانا باشانی موبلائز کیا پیپل ویسٹ پاکستان کے، بھٹو نے پیپلز پارٹی بنے 1967 میں، یہ کنڈیشنز ہوئی اسی وقت میں، ٹھیک ہے۔ لیفٹسٹ میں اپنا سب رول دکھایا، سوشلسٹ کمیونسٹ اروز بیک اپ ہوئی، جسے بٹ مزدور کسان پارٹی وغیرہ سے پولیٹیکل، یہ مینس بیک اپ ہوا اس وقت میں، حالات خراب ہوئے۔ پھر ایوب خان نے کہ ریزائنیشن اینڈ کنٹینیوشن ملٹری رول، ایوب خان نے ریزائن دی اور یحیٰ خان کو حکومت دی 25 مارچ 1969 میں، اور یہ جو وائلنٹ رول ایوب خان اس وقت ختم ہوا، اور یحیٰ خان اپنی حکومت میں قائم ہوا، جس سے ایوب خان کا رول ختم ہوا اور یحیٰ خان کی ایک نئی حکومت ملٹری قائم ہوئی، اور ایوب خان کے ایک مائل اسٹون ایک وقت تھا جو پاکستان کی ہسٹری کا ایک بہترین چیپٹر ہے جو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ، آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ دس اینڈ ریڈ دا فردر اباؤٹ دا ایوب خان۔